Now, this is expand square root of 1 plus sin x in ascending powers of x up to x raised to 6. अब हमें इसका एक्सपेंशन करना है, ओके हम मैक्लॉरिन्स का यूज करना पड़ेगा, लेकिन मैक्लॉरिन्स में हमें क्या पता है, मैक्लॉरिन्स में हमें एक्सपेंशन साइन एक्स का पता है, ओके उसके स्क्वायर रूट का पता नहीं है, तो हमारे कन्वीनियंट के लिए हम इसको रीअरेंज करके लेते हैं, ओके तो सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप स्टेप वन तो स्टेप वन गिवन नोटेशन आई विल राइट एज वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स. नाउ आई नो दैट फॉर्मूला ऑफ जो फॉर्मूले लगने वाले यहाँ पे लिखता हूँ, आई नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज वन एंड आई नो दैट साइन टू एक्स इज टू साइन एक्स कॉस एक्स. ओके अब मैंने फॉर्मूले यहाँ पे क्यों लिखे, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तब आपको पता चलेगा. देखो अब मैं वन की जगह बाद में रखता हूँ, उसके लिए जगह छोड़ूंगा. अब यहाँ पे मेरे पास साइन टू एक्स है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए टू का मैंने हाफ किया, मतलब यस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू. मैंने लेफ्ट में एंगल हाफ किया तो मुझे राइट में भी हाफ करना पड़ेगा, ठीक है. अब मुझे यहाँ पे इस साइन एक्स की जगह साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू मिलने वाला है, तो मैं भी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू वन की जगह यूज करूंगा. तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू और साइन एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाई है, साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू. अब मैंने यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट क्यों की, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैथ्स में जो फॉर्मूले एक्जिस्टिंग है उसी को मैंने एडजस्ट किया है एग्जाम्पल के रिक्वायरमेंट के अनुसार. तो ये आपकी वैल्यू वन है और ये आपकी वैल्यू साइन एक्स है, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, खाली उनका रिप्लेसमेंट उनके फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे दिया है. तो अब ये पूरा स्क्वायर रूट में मुझे क्या मिलने वाला है, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू उसका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. यस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन यहाँ पे स्क्वायर रूट में. ओके अब हमें पता है स्क्वायर रूट का स्क्वायर मतलब क्या होता है, वन बाय टू इंटू टू, तो ब्रैकेट की पावर वन आती है. तो यूजिंग दैट फॉर्मूला वी विल गेट वाई एट साइन ऑफ एक्स बाय टू प्लस कॉस ऑफ एक्स बाय टू, करेक्ट है. यस सर. ओके दिस इज इक्वेशन नंबर वन. अब हमने खाली क्या किया है, जो एग्जांपल फंक्शन दिया है उसको रीअरेंज करके उससे स्क्वायर रूट हटाया है, लेकिन हमें उसका एक्सपेंशन चाहिए. ओके तो यहाँ पे मैं स्टेप सेकंड में लिखता हूँ, स्टेप सेकंड वी नो दैट साइन एक्स का एक्सपेंशन हमारे पास एक्स विद ऑड पावर्स एंड अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, एक्स रेस टू फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल, एग्जाम्पल का है अप टू सिक्स पावर. तो हम यहाँ पे एक्स रेस टू फाइव पे रुकते हैं और आगे डॉट 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 लिखते हैं. एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉस एक्स वी नो दैट इट इज इवन पावर्स ऑफ एक्स विद अल्टरनेट साइन स्टार्टिंग विद वन, तो दिस इज वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, नेक्स्ट इवन नंबर इज एक्स रेस टू फोर बाय फोर फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू सिक्स बाय सिक्स फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिट. नाउ वी हैव टू ऐड दिस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू गेट एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स. ओके सो फ्रॉम इक्वेशन वन y is equals to equation 1 में क्या है, sin x by 2 cos x by 2, मतलब जहाँ पे आपके पास यहाँ पे x है you have to substitute x by 2 तभी आपको sin x by 2 cos x by 2 का expansion मिलेगा. तो यहाँ पे x by 2 रख के हम expansion लिखते हैं, हमें क्या मिलता है देखेंगे, we will get x by 2 minus 1 by 3 factorial x by 2 cube plus 1 by 5 factorial x by 2 raised to 5 up to infinity plus we have to again replace x by 2 in cos x, so we get
1 minus 1 by 2 factorial, it is x by 2 square plus 1 by 4 factorial x by 2 raised to 4 minus 1 by 6 factorial x by 2 raised to 6 up to infinity. Now कभी भी एक्सपेंशन का फाइनल आंसर आपका असेंडिंग पावर्स ऑफ x चाहिए, सो दिस इज y इज नथिंग बट 1 plus sin x. अब लोएस्ट डिग्री टर्म इज 1, आफ्टर दैट इट्स x by 2, सो दिस इज x by 2. नेक्स्ट x square की टर्म, आपकी x square की टर्म याद है, इट इज माइनस x square डिवाइडेड बाय 2 square इज 4, 4 into 2, 8. नेक्स्ट x cube, so 2 cube is 8, 8 into 6, it is x cube divided by 48 plus x raised to 4. Calculate this, you can write like this also, 4 factorial into 2. Next power x raised to 5, it is x raised to 5 by 5 factorial, this is 2 raised to 4 into 2 raised to 5. And last term is minus 1 by 6 factorial x raised to 6 divided by 2 raised to 6. This is expansion of square root of 1 plus sin x. Okay, aage ke term dot 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 mein likhenge.